आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास नाइन्थ के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको रसखान जी का जो अगला दोहा है, जो कि 7 नंबर का दोहा है, और यह इस प्रकार से है, दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोए, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु शम होए। इसका हम आपको संदर्भ, सरल व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। और इसके पहले हमने आपको वीडियोस के द्वारा रहीम जी का जो पहला दोहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन सभी का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने सबसे सरल व्याख्या बताई है। और इस वीडियो में हम आपको इस दोहे का भी सबसे आसान तरीके से संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या लिखने का तरीका और व्याख्या आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये आपसे हमारा वादा है। तो चलिए आपको हम बता दें कि इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो जब किसी भी पद्यांश का अथवा दोहे का जब आप संदर्भ लिखते हैं, तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है और संदर्भ लिखते समय कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, तो जिस दोहे का अथवा जिस पद्यांश का आप संदर्भ लिखें, उसके प्रथम के दो या तीन शब्दों को, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, प्रथम के दो या तीन शब्द अथवा अंतिम के दो या तीन शब्द, प्रथम से भी और अंतिम से भी शब्दों को इस तरह से लिखा जाता है। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है प्रथम के दो शब्दों को दीन शबन, और अंतिम के शब्दों को लिख रखा है सम होए। और इसका संदर्भ आप इस तरह से लिखेंगे, हेडिंग डालना है संदर्भ, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में। जो दोहा है यह किस खंड से है? काव्य खंड से है। और जो गद्यांश होता है वह किस खंड से होता है? गद्य खंड से होता है। में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? कविवर रहीम दास जी हैं। दोहा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कविवर रहीम दास जी हैं। और मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बताया है कि संदर्भ लिखते समय आप कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। निसंकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, और पाठ का नाम अथवा शीर्षक का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है, तथा रचयिता का नाम अथवा कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग में वही लिखा जाता है जो पद्यांश के अंतर्गत वर्णित हो, अर्थात जिसके बारे में पद्यांश के अंतर्गत बताया गया हो। तो यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है, प्रस्तुत दोहे के द्वारा रहीम दास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है वह परमात्मा के समान है। जो व्यक्ति गरीबों के प्रति, अर्थात जो व्यक्ति गरीबों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता है, अर्थात जो गरीबों से प्यार करता है, उनको भी देखता है, उनके सुख दुख में भाग लेता है, उसे किसके समान बताया गया है? कि वह परमात्मा अर्थात भगवान के समान है। वह व्यक्ति किसके समान है? भगवान के समान है। तो इस दोहे की पहले हम आपको सरल व्याख्या बताएंगे, ताकि आपको रटना न पड़े। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि व्याख्या आप कैसे लिखें और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखें। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोए, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु शम होए। रहीम दास जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है, दीन सबन को लखत है, निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है, दीन ही लखे न कोए, अर्थात कहने का अर्थ है कि सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है। जो निर्धन व्यक्ति होता है वह सबको देखता है, अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है, सोचता रहता है कि कोई ना कोई मेरा सहयोग कर देगा। दीन ही लखे न कोए,
और इसके विपरीत क्या होता है कि गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं होता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। दीन व्यक्ति जो होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वह सभी को देखता है, अर्थात सभी से अपनी आस लगाए रहता है। दीन ही लखे न कोय, और दीन व्यक्ति को अर्थात गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु शम होए। कविवर रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीबों को देखते हैं, जो रहीम दीन ही लखे, जो लोग गरीबों को अर्थात दीन व्यक्तियों को देखते हैं, दीन बंधु शम होए। दीन बंधु शम होए अर्थात उनसे जो प्रेम करते हैं, गरीबों का ध्यान रखते हैं, उनका सहयोग करते हैं, वह दीनों के भाई, दीन बंधु, दीनों के भाई। और क्या होते हैं, दीन बंधु शम होए अर्थात वह भगवान के समान हो जाते हैं। दीन शबन को लखत हैं, दीन ही लखें कोय। जो रहीम दीन ही लखें दीन बंधु शम होए। कविवर रहीम जी कहते हैं कि दीन व्यक्ति सभी की ओर आशा से देखता रहता है, परंतु इसके विपरीत दीन ही लखें कोय, उस गरीब को कोई नहीं देखता। और जो रहीम दीन ही लखे, जो व्यक्ति गरीब व्यक्तियों की ओर भी देखता है अर्थात उनका ध्यान रखता है, दीन बंधु शम होए, वह उनके भाई के समान अर्थात भगवान के समान हो जाता है। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे या और काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे? दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? इस तरह से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है व्याख्या, और क्या हो जाएगी व्याख्या कि रहीम दास जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है तथा सभी को सहयोग देता भी है। कहते हैं कि जो निर्धन व्यक्ति होता है वह सबको देखता है अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है, सोचता रहता है कि कोई ना कोई मेरा सहयोग कर देगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और जो गरीब व्यक्ति होता है वह सभी को सहयोग भी देता है। और क्या कहते हैं कविवर रहीम कि दीन ही लखे न कोय, दीन ही लखे न कोय। इसके विपरीत क्या होता है कि गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं होता है। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु शम होए। कविवर रहीम जी का कहते हैं कि उसकी सभी उपेक्षा करते हैं। जो गरीब व्यक्ति होता है, पहली बात तो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता और उसकी उपेक्षा सभी करते हैं। जो लोग गरीबों को देखते हैं, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु शम होए अर्थात तो उनसे प्रेम करते हैं और उनका सहयोग करते हैं, वह दीनों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। जो रहीम दीन ही लखें दीन बंधु शम होए, वह उनके भाई अर्थात भगवान के समान हो जाते हैं। कविवर रहीम ने बड़ी अच्छी बात कह दी है प्रस्तुत दोहे के द्वारा। इसका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा? आपको इस तरह से हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और यहां पर पहला बिंदु लिखा जाएगा जो पद्यांश के अंतर्गत है कि रहीम दास जी ने निर्धन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम प्रदर्शित किया है। प्रस्तुत दोहे के द्वारा कविवर रहीम दास जी ने निर्धन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम प्रदर्शित किया है। अगला बिंदु है भाषा। तो प्रस्तुत दोहे की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और अगला बिंदु है रस। तो प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत शांत रस की अनुभूति हुई है। और अगला बिंदु क्या है? छंद। तो यह जो दोहा है किस छंद में है? दोहा छंद में ही लिखा हुआ है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जिस भी पंक्ति में अथवा जिस भी पद्यांश के अंतर्गत एक अक्षर की या वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर दीन शबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे
दीन बंधु सम होए। यहाँ पर द अक्षर अर्थात द वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अर्थात यहाँ पर चार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और अलंकार से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने आपको सभी अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, लगभग सभी महत्वपूर्ण अलंकारों से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी लाभ होता रहे। और आप चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह से नोट्स बनाते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें, और आप अपने कमेंट्स भी करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।